हाय, गुड मॉर्निंग। जनरली मैं अपना दिन 7 बजे से चालू करता हूँ मॉर्निंग में। सो बेसिकली मेरा मॉर्निंग का रूटीन ये होता है कि फ्रेशन अप होने के बाद जो भी अपने चार्ट्स है, जैसे मैं पहले बहुत सारे पोजिशनल ट्रेड्स करता था बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था इंट्राडे ट्रेड्स करने के लिए। बट अभी ड्यू टू द लॉकडाउन, आप इसे बोल सकते हो कि ये एक मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो गई है। जो पहले मैं इंट्राडे ट्रेड्स नहीं करता था बिकॉज ऑफ द टाइम प्रॉब्लम, अभी मैं ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। अभी मेरे जो ट्रेड्स हैं, मैं आज देखूंगा आज कौन से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं फॉर इंट्राडे एंड एवरीथिंग। तो मैं अभी जनरली अपना ट्रेडिंग प्लान करूंगा, उसके बाद अपना जो ब्रेकफास्ट है वो वगैरह लूंगा और फिर 9 बजे के बाद अपना मार्केट के साथ स्टार्ट कर दूंगा अपना डे। तो अभी चलो मैं प्लानिंग करता हूँ ट्रेड्स अपने, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं आज हम लोगों को। आपने देखा जैसे मैं रेगुलरली जो मेरा रूटीन है मतलब ट्रेड प्लान करने का, वो मैं जनरली मॉर्निंग टाइम में ही करता हूँ और आप लोगों को भी प्रेफर करूँगा कि आप भी मॉर्निंग में करो अगर आपको करना है तो। तो अभी आप देख सकते हो आज 30th अप्रैल है और अभी 9 बज रहे हैं। थोड़ी देर में मार्केट चालू हो जाएगा तो मैंने जो भी ट्रेड्स प्लान किए वो मैं एग्जीक्यूट करूँगा। जैसे मैं आपको एक दो ट्रेड बता देता हूँ। जैसे मैंने एक ट्रेड प्लान किया है कि अगर भारतीय एयरटेल 500 के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा, और दूसरा एक ट्रेड है मेरा टाटा स्टील का, मतलब वो 295 के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा। और अगर जो भी अपडेट होगा वो आपको मेरे ट्विटर अकाउंट में मिल जाएगा। और भी बहुत सारे ट्रेड है बट आई विल नॉट डिस्कस विथ यू ऑल द ट्रेड्स, नहीं तो बहुत लंबा टाइम चले जाएगा। तो ये जनरली मेरा रूटीन होता है ट्रेड प्लान करके मार्केट करने का। तो अभी हम लोग देखते हैं आज मार्केट में क्या होता है, कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है एज पर अवर प्लान। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं मॉर्निंग में मेरे ट्रेड्स प्लान करता हूँ और फिर मार्केट के साथ रहता हूँ पूरा दिन जनरली। अभी आप देख सकते हो 4:03 हो गई है। तो बेसिकली आज का मार्केट भी अच्छा था, आज के मेरे ट्रेड्स भी बहुत जो मैंने लिए थे वो भी अच्छे गए। तो अभी कुछ नहीं, बस अभी मैं 1-2 घंटा रेस्ट करूँगा और फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तो आप भी ऐसे ही कुछ अपने लॉकडाउन पीरियड को यूज़फुल करिए। जैसे मैंने हमेशा बोला है कि आपको एक चीज़ में मास्टर करना चाहिए, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी मेरी ट्रेडिंग स्किल है उसको और मास्टर कर सकूँ। और आप मुझे बताइए आप कौन सी चीज़ में मास्टर करने की कोशिश कर रहे हो।